हेलो एवरीवन, सो आज हम इस वीडियो में समझने जा रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि एग्जैक्टली लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, किस तरह से ये हमारी दुनिया में काम कर रहा है। सो मैं चाहती हूँ कि ज़रूर से इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ नई बातें आपको सीखने का मौका मिले। सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहती हूँ बिकॉज आपने समय निकाला है इस वीडियो को देखने के लिए। सो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। हमेशा याद रखिए कि इस दुनिया में जो कुछ भी हमारे आसपास इर्द गिर्द हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे वजह से हो रहा है, और इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं आकर्षण का नियम। ये एक ऐसा नियम है जो 2400 घंटे आपके जीवन में काम कर रहा है। आप इसके बारे में पता करो या ना करो, आप इसके बारे में जानो या ना जानो, लेकिन आकर्षण का नियम तो आपके जीवन में भरपूर मात्रा में हर समय हर एक छोटे से छोटा सेकंड भी काम कर रहा है। तो बेहतर है कि अगर हम अपने जीवन में, ऐसा बोलते हैं ना कि हम सभी लोगों के कोई ना कोई सपने हैं, आपके भी कोई ना कोई सपने जरूर से होंगे, तो अगर हम सपनों को पूरा करना चाहते हैं, अगर हम अपने अंदर बदलाव लाना चाहते हैं, तो क्यों ना हम जानबूझकर वो बदलाव को लाए, क्यों ना हम कुछ ऐसे नियम का पालन करें जिस वजह से हमारे सपने बहुत आसानी से पूरे हो सके। सो यस दोस्तों, मैं आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वीडियो इसीलिए लेकर आई हूँ क्योंकि अभी हम पूरी सीरीज इसके लिए लेकर आने वाले हैं। काफी सारे वीडियोस मैं अपलोड करने वाली हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड हो कि आकर्षण का नियम वाकई में इस दुनिया में काम कर रहा है। आकर्षण का नियम मतलब कि आकर्षण की शक्ति को हमें इस बारे में समझना होगा। आकर्षण की शक्ति दरअसल प्रेम की शक्ति है। इस दुनिया में अगर प्रेम की शक्ति ना हो तो ये दुनिया पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ये दुनिया किस चीज से चल रही है, तो ये दुनिया चल रही है प्रेम की शक्ति से। हमें प्रेम की शक्ति को गहराई से समझना होगा, जो कि मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आपके पास डायरी पेन होगा तो जरूर से निकाल लीजिए, क्योंकि कुछ नोट्स आप बना सकते हैं, अपने लाइफ को एनालिसिस कर सकते हैं, आप क्या गलती कर रहे हैं, कहाँ मूव ऑन करना है, क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना है, वो आपको पता चल सकता है। सो प्रेम की शक्ति एक ऐसी शक्ति है दोस्तों जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। इवन अगर आप कुछ पाने की इच्छा रखते हैं, कुछ बनने की इच्छा रखते हैं, तो ये ब्रह्मांड हमें हमेशा ये मैसेज देता है कि आपका जन्म इस दुनिया में सब कुछ वही चीजें करने के लिए हुआ है जो आपकी चाहत है। मान के चलो आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं, तो घूमने जाना आपका कर्तव्य है। आप मान के चलो कुछ बनना चाहते हैं, तो वो बनने के लिए ही आपका इस दुनिया में जन्म हुआ है। आप भला सोचिए कि कुछ ही लोग होते हैं जिनके मन में डॉक्टर बनने की इच्छा होती है। इस दुनिया में क्या 100% लोग हैं जिनको डॉक्टर बनना है? नहीं, कुछ ही लोग हैं जिनको टीचर बनने की इच्छा होती है। Yes or no, right? आप देखेंगे अलग अलग लोगों के अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं। तो जो भी इंटरेस्ट है, आप जो भी इंसान इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस दुनिया में सबसे पहले तो ये समझिए कि आपको इस दुनिया में एक अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है। यस दोस्तों, अगर आपकी सैर सपाटा करने की इच्छा है तो आपको सैर सपाटा करने के लिए बनाया गया है। अगर आपको गिटार बजाने की इच्छा होती है, आपको बहुत इंटरेस्ट आता है, तो आपको उसी के लिए बनाया गया है। अगर आपको डांस करने में बहुत आनंद आता है, तो आपको उसी के लिए बनाया गया है। बट प्रॉब्लम ये जा रहा है कि काफी सारे लोग अपनी शक्तियों को पहचान ही नहीं पा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि मजबूरी में कुछ काम करते हुए बैठे हैं, और इस वजह से वो बहुत ज्यादा दुखी रहते हैं, बहुत ज्यादा नाराज रहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक सच्ची बात बताने जा रही हूँ कि आपका जन्म इस दुनिया में उन सारे कामों को करने के लिए हुआ है जिसकी आपको चाहत है। अब आपको ये बस पता लगाना है कि आप चाहते क्या हैं, क्योंकि हर इंसान को ये पता होना चाहिए कि वो एग्जैक्टली किस तरह के जीवन को जीना चाहता है, राइट? सो एग्जैक्टली किस तरह की लाइफ को आप जीना चाहते हैं, आप कैसे जीना चाहते हैं, किन लोगों के आसपास आप रहना चाहते हैं, आपके मन में क्या बनने की इच्छा है,
क्या पाने की इच्छा है, आपके कौन कौन से सपने हैं, आप लोगों को सबसे ज्यादा इन सारे सवालों के जवाब अपने आप को देना है। और आपको हर समय सबसे ज्यादा उन्हीं चीजों के बारे में सोचना है जिसे आप चाहते हैं। और जब आप ऐसा करने लग जाते हैं तो प्रेम की शक्ति अपने आप आपके इर्द गिर्द काम करना शुरू कर देती है। और प्रेम की शक्ति ही आकर्षण की शक्ति कहा गया है। और आकर्षण की शक्ति हम जब इस्तेमाल करते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने आप हमारे लिए काम करना शुरू कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह से मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ, अब मान के चलिए आप में से किसी इंसान को इच्छा है कि आप भी मेरे ही तरह जैसे वीडियोस मैं यहाँ पर बना रही हूँ, आप भी वीडियोस बनाएं, आप भी लोगों को कुछ नया सिखाएं, आप भी ढेर सारा पैसा कमाएं, फ्रीडम लाइफस्टाइल जिए, खुश रहे, ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी कर रही हूँ, राइट? तो ये मैं अभी क्यों कर पा रही हूँ, क्योंकि कुछ सालों पहले मैंने ये लाइफस्टाइल के बारे में सोचा। ओके, मैंने अपने आप को क्लैरिटी दी कि मुझे ये काम करना है। सो दोस्तों, आज थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। दिस इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वीडियो और आपको अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि जब इंसान अलर्ट होता है तो वो अपने जीवन में भरपूर मात्रा में उन सारी चीजों को अचीव करता है जो उसकी चाहत है। तो आज ही अपने आप से सवाल पूछे कि एग्जैक्टली आप चाहते क्या है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें वही सिखाता है कि आप जो चाहते हैं वही पाने के लिए आपका जन्म हुआ है। क्योंकि दोस्तों, इस दुनिया में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो वाकई में काम कर रही है। आपने ऐसे लोगों को देखा तो होगा ना जो जीरो से हीरो बनकर बैठे हैं, जिनके पास कुछ था नहीं, लेकिन जिन्होंने अपने अंदर बहुत बदलाव लेकर आए, अपने माइंडसेट के ऊपर काम किया, इन सारी शक्तियों को पहचाना, और अभी वे ढेर सारा पैसा कमा रहे हैं, फ्रीडम लाइफस्टाइल जी रहे हैं, खुश रहते हैं और भी बहुत सारी चीजें। सो अगर आप भी इन सारी चीजों में बिलीव करते हैं तो आज से उन सारी चीजों के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए जिसकी आपको चाहत है। अब मैं आपको एक चीज बताने जा रही हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई इंसान उस चीज के बारे में ज्यादातर समय सोचता है जो वो नहीं चाहता, तो दोस्तों हकीकत तो ये है कि उस इंसान की दुनिया में वही सारी चीजें होने लगेगी जो वो नहीं चाहता। पता है क्यों? क्योंकि वो हर बार सिर्फ और सिर्फ वही बातों के बारे में सोच रहा है जो वो नहीं चाहता। Got the point? So, हम जो ज्यादा से ज्यादा समय सोचते हैं, हमारे मन में अधिकतर समय जो विचार चल रहे हैं, वैसे ही हमारे जीवन में रिजल्ट्स आ रहे हैं। सो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइज, कि आप उन सारी चीजों के बारे में सोचे जो आप बनना चाहते हैं, जिसकी आपको चाहत है, जो चीज को आप पाना चाहते हैं। मान के चलिए आपको एक बहुत अच्छे घर में रहने की इच्छा है, ओके? आपको खुद का बंगलो परचेज करना है, आपकी बहुत चाहत है, लेकिन आपके पास पैसा ही नहीं है, आपको समझ ही नहीं आ रहा क्या काम करना है। तो ऐसे केस में दो प्रकार के लोग हो सकते हैं। अब आपको कौन सा इंसान बनना है वो आपके ऊपर है। पहले टाइप का पर्सनालिटी यही सोचेगा, मतलब जो बहुत निगेटिव पर्सन रहेगा वो ये सोचेगा कि यार कहाँ मैं सपना देख रहा हूँ, मैं कैसे ये घर को पा सकता हूँ, मैं कैसे इतने अच्छे घर में रह सकता हूँ जबकि मेरे पास तो कोई काम करने के लिए भी नहीं है, मेरे अंदर तो टैलेंट ही नहीं है, मुझे तो कुछ नहीं आता। अगर वो आदमी यही बार 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 सोच रहा है वो इंसान, तो उसके लाइफ में घर कभी भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो बार 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 सिर्फ यही सोच रहा है कि वो घर को पा नहीं सकता। दोस्तों, वो इंसान उसी तरह से अपने लाइफ में बन जाएगा, राइट? सो दिस इज द नंबर वन पर्सनालिटी। टाइप टू पर्सनालिटी वो रहेगा जो इस तरह के वीडियोस देखता हो। आपको मेरे सारे वीडियोस देखने हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ, जिससे आपको ये पता चल सके कि आप कौन सी दिशा में सही जा रहे हैं, कहाँ कहाँ पर आपको चेंजेस करने की जरूरत है। तो दूसरा टाइप का जो इंसान रहेगा वो इस तरह की वीडियोस देखेगा, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेगा, और वो इम्प्लीमेंट ये करेगा कि भले ही उसके पास पैसा ना हो, भले ही उसके पास टैलेंट ना हो, भले ही उसे पता नहीं कि कहां से घर आएगा, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आपने समझ लिया तो आप जो भी इंसान घर पाने की इच्छा रखता हो वो सोचेगा कि वाव, मैं डिजर्व करता हूँ, ऑफकोर्स ये घर मेरे लिए ही बनाया गया है, मुझे इस तरह के घर में रहना बहुत पसंद है। वो बार 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 उन सारे वीडियोस को देखने लगेगा और जो भी टेक्निक्स मैं आपको आने वाले समय में सिखाने वाली हूँ वो टेक्निक्स को फॉलो करेगा और जरूर से उसके लाइफ में वो घर आ जाएगा।
ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमारे कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं दोस्तों जो ये सारे टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं, कम्युनिटी में जो लोग जुड़ते हैं वो लोग तो बहुत ही बेहतर तरीके से उन सारे सपनों को हासिल कर पाते हैं जो उनकी चाहत है। बट उसके लिए कुछ चीज़ों को आपको समझना होगा। तो आप में से कितने लोग हैं जो Type 2 पर्सनालिटी में आना चाहते हैं, कितने लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत सारी चीजें सीखना चाहते हैं, टाइप करेंगे मी ताकि मुझे अंडरस्टैंड हो कि आप लोग वाकई में एक्साइटेड हैं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जितना ज्यादा आप डिटेल में जानोगे उतने ज्यादा सपने आपके बहुत आसानी से पूरे हो सकते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, हमें Type 1 नहीं बनना है, हमें निगेटिव पर्सन नहीं बनना है, हमें तो बस बार बार सीखते चले जाना है। जैसे आज हमने इस वीडियो में जाना कि हम जो सोचते हैं बार बार जिस चीज की हम छवि बना रहे हैं वही चीज हमारे जीवन में आकर्षित हो रही है। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ इसी तरीके से काम करता है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो में आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी, कमेंट करके आपको जरूर से बताना है। इस YouTube चैनल पर बने रहिए दोस्तों, आने वाले समय में बहुत सारे वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ। ऑलरेडी हमने काफी सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, इन सारे वीडियोस को देखते चले जाइए। एक बुक के बारे में ऑलरेडी हमने YouTube लाइव सेशंस लिए थे जिसका नाम है शक्ति, मेरे पास ये रखी भी है, मैं आपको जरूर से शो करती हूँ। दिस इज एन अमेजिंग बुक, ओके, ये मेरी फेवरेट किताब है। इसके बारे में हमने सारे सेशंस अपलोड किए हुए हैं YouTube चैनल पर, जरूर से एक एक सेशन आप देखते चले जाइए। जब भी आप मान के चलो कुछ खाना बना रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं और बैकग्राउंड में आप अगर कुछ चीजों को सुन सकते हैं, तो इस बुक को हमने रीड किया था, लाइव सेशंस लिए थे, इस बुक के एक एक सेशन को सुनना शुरू करें, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। ओके, सो थैंक यू सो मच, ऐसे ही बने रहिए इस YouTube वीडियो पर और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो को फॉरवर्ड करें आप, ताकि आपकी वजह से लोगों को भी मदद हो सके। थैंक यू सो मच, कौन सी इंपॉर्टेंट बातें आपको अंडरस्टैंड हुई है कमेंट करके जरूर से बताएं। थैंक यू।